अरे उसमें खुश नहीं भैया, हम बीज भंडार आ गए हैं। हाँ दे रहे हैं, भुवन सिंह भी आ गए हैं। चलो देव। हाँ अब नहीं, वहाँ मिले खूब खूब हुआ कस के, खूब केला खूब चना उड़ाए, हथकड़ी भी मिल गई, लेकिन रोटी थोड़ा बचा रहा उनका, इन लोगों को रोटी नहीं मिलता बेचारों को। हाँ कस कस के डालो चना। हाँ शाम को ही ज़्यादा भूखे होते हैं लोग। ये देखो उठा दो, ये देखो। हाँ हटो। अब 24 घंटे में एक बार इनको मिलना है, बस बात खत्म। उठा लो का देखो, रोटी के लिए ये देखे तुम्हारे पीछे नहीं आ रहे हैं इतना। ए बल्कि अब एक काम करो, गेहूँ भी चालू करो। रोटी के लिए जान देते हैं कि पसंद करते हैं। ये देखो कोई है, देखो तो ये देखो। ए बालाजी, ए कहाँ जुलारी ले। एक तुम लोग हटो, उठा के अब हमको लोगों को लात मारना पड़ेगा। अब क्या करें, हमारी मजबूरी। ले खाओ। अरे यार हाथ ना नोचो। थोड़ा मकान, ये देखो कुछ वहाँ भी डाल दो। वो दूर बैठे हैं बेचारे, हमेशा याद रखा करो, सबकी पीड़ा को समझो। वहाँ मत भाई, वहाँ खिड़की में डालो। हाँ, आई। ले खाओ, खिड़की में डालो, दरवाजे में थोड़े कह रहे हैं। हटो भैया, अच्छा बढ़िया चना है, तुमका नहीं दिखाई पड़ रहा है, सबका रोटी चाहिए। हटो, अब वही सीजन चल रहा है ना, इस समय बंदर जो है वो बंदरिया से बहुत खफा है। हाँ कि उनके पास आओ, इसलिए वो काट कर टुगल मचा है। अभी का भी भयंकर अभी युद्ध होगा नवंबर में, कितने के जख्मी होंगे, कहो मर जाए एक आधे बच्चे सब। दो आओ तुमका हम बचाइए आओ। एक हाँ आओ, मार यही का सतरी का। आओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग के जा रहे हो? आओ यहाँ, ले लो खाओ 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 लो। छोटे बालाजी लोग, तुम लोग भी बालाजी हो, लो खाओ। कहो, लो। अरे ये बहुत छोटे बालाजी, देखो ए वहाँ फेंक दे, जरा से मिला इस बालाजी को, शायद उसके माँ ने छीन तो नहीं लिया। खाओ, ए तुम हटो, खुद बुद्धि ले, ले बालाजी, बालाजी भाग गए। लो बालाजी, ये देखा, वो रोटी लेके गया, तो जो बाधिन बैठी है उसके हाथ से छीन रही थी। रुको यार, हट, खाओ, हटो। कहा ले लो खाओ। हटो। आटा जो है अब भेजा, और सेठ जी भोजन कर रहे हैं, अब 100 रुपया ज़्यादा ले लिया एकदम से। कौन? वही सिकरिया के हियाँ। अब नहीं नंबर भी नहीं देते हैं तो हम बात करेंगे। महाराज 4 दिन पहले आपने 1000 का दिया है, आज आप एकदम से 100 रुपये बढ़ा दिए। ये कहूँ कौन से महंगाई आ गई 4 दिनों के अंदर? अरे भयंकर लूट मची है, समझ गए? अरे कुछ नहीं, बस हम तो सीधे चाहते हैं भगवान बम फटे एकदम से। बात ये चना बताओ, 70-68 से नीचे चना हाँ, मिल रहे हैं। सीधे बम गिरे स्वाहा हो जाए, चांडाल दो पैर के जानवर एक कुत्ते के मौत मारे जाए सब। हाँ? तब इनको पता लगेगा कि हम फलाने हैं कि निपोरे हैं कि धमाके हैं। संतरी बाहर खड़ा है, इसी में बैठे हैं। ज़्यादा कोरोना देखने के बावजूद ये हाल है। कोरोना माने नोटिस। हाँ?
कोई सुधा, अरे कोरोना काल में कमाया है लोगों ने, हाँ ना संघार कोरोना काल में कमाई भाई है, मरघट पर लकड़ी चिता के लकड़ी जब देने गए पत्नी के लिए कहीं एक 1,000 रुपया क्विंटल, कहाँ 400 से 1,000 और वो भी गीली गीली लकड़ी। तब मन में देखा, हमने कहा ले बेटा ये किसी अवघर के पत्नी में कमाई कर रहे हो ना, तुमको ये भी नसीब नहीं होगा और गंगा जी में डूबते मर जाओगे कुत्ते की तरह से, तुम्हारी मौत लग जाई होगी। जैसे कल हम आपके बारे में कहे ये दुलारी है क्या, अरे राम राम देव 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 भैया दुलारी खा लो भैया, अरे राम राम इनका बच्चू बच्चू है, खाओ खाओ देव देव दुलारी रोटी खाओ भाई, चना से रोज खाती हो, ए भैया तुम लोग दूर रहो, तुम लोगों को दे रहे लो दूर दूर हटो, हाँ खाओ दुलारी खाओ, ओ मैंग हनुमते राम, अरे मम्मी गुच्छू रहे भैया तुम गुच्छू गुच्छू ना करो भैया, अरे गुच्छू गुच्छू ना करो भाई, माँ गुच्छू गुच्छू कर रहे हैं, हो अरे गुच्छू गुच्छू ना करो भाई, हटो हटो हटो, अरे गुच्छू गुच्छू इनको हम इनको ऐसे सहला रहे हैं, ओ ये देखो ये मम्मी को छू रहे हैं गुच्छू गुच्छू कर रहे हैं, या बालाजी को देखो ये सीन है देखने लायक, ये देखो अरे हटो भैया, अरे का दीन एक झापो खाओ खाओ, ओ मैं ढींग हनुमते राम जुटाने मत, तुमको जलना है जलो दिया एक हाथ करके खाओ, हटो तुम लोग एक बालाजी बड़े छोटे से बच्चे उनको देंगे सब दौड़ा देंगे, या देखे देखो बालाजी मिल गया जरा से भागे, तुम यहाँ कहाँ रहो है, तुम यहाँ कहाँ रहो लोढ़ा चंद भाग जाओ, हट भाग दी एक झापड़ करके दिया एक झापड़ खाओ खाओ खाओ, इनके बच्चू बच्चू यहाँ हैं अंदर छिप के बैठे हैं, इनके पूँछ को छू लें भैया, ये पूँछ छू लिया देखो ये जय हो जय, फिर पूँछ छूगा, हाँ हाँ बालाजी के पूँछ छू लो, तब अब इनका ध्यान इसमें लगा है ना, इनको विश्वास है नहीं, बालाजी के पूँछ को छू लो एक बार ये कुर्र से बोल दें अगर कहीं, ये देखो ये हमारा हाथ पकड़ रहे हैं बालाजी, देखो ये गुच्छू गुच्छू कर रहे हैं, ये गुच्छू गुच्छू कर रहे हैं, ये देखो ये हाथ पकड़ रहे हैं भैया, काट न लेना भैया काट न लेना भैया, बालाजी 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 खाओ, अरे गुच्छू गुच्छू ना करो, ओहो मार ये देखो देखो रमू ये बालाजी गोद में बैठे हैं, ये हमारी उंगली पकड़ रहे हैं, ये देखो खाओ दूध फेंक दो, चलो खाओ दूध दूध, तुम हटो मल भूख से, पड़ गया रह जाओ, खाओ 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 खाओ, ओ मैं किसी हनुमते राम देता है नमा, दुनिया भाई कोई काम मन लगा के करते रहो ये डायरेक्ट हनुमान जी की महासेवा है, महापूजा है, कैसा भी हो कुछ भी हो इसी से शक्ति आएगी, जितने कुत्ते भौंकने वाले हैं ना या जो अस्पताल में मजाक उड़ाए जो भी किए, आप खाली हम बता दे रहे हैं नोट कर लो, जिन लोगों ने मजाक उड़ाया है मजाक ही उड़ाना हुआ, आप घर ले जाइए अपने हाथ से कर लीजिए, उनकी दुर्गति होगी बस उनकी दुर्गति होगी, सब चाहे तुम इधर बैठ के बना लो पाँच मिनट, इधर आ जाओ इधर आओ, हमेशा कैमरे के पीछे से लाइट आवे दो बनाओ, बंद ना हो पाए ये बन जाएगा तो बाबा जी आपसे एक है जो हम हाँ। बात कहेंगे नहीं इसमें आप बोल भी जाओ जो बोलने वाला है बोलो खाओ, नहीं एक चीज़ है तो वो चीज़ कैमरे की बात बोलेंगे, हाँ हाँ ठीक बात मैं बताऊँगा, देखो ये देखो इन लोगों को पूछ अगर स्पर्श करने को मिल जाए, देखो ये छू गया देखो माथे में लगा दिया देखो 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 देख रहे हैं, मतलब इनके पूँछ को जब किसी को छू लिए आप तो पूँछ छूने में लोगों को बड़ा थोड़ा अकरास होता है, उसमें बड़ी ताकत है, अरे एक पूँछ ने लंका को पूरे लंका को जला दिया, सही बात बिल्कुल, आप तो एकदम एक पूँछ है थोड़ा ये इनके सम्मान होता है ना पूछ, मम्मी सहला रहे दोबारा बार ये देखो ये देखो ये बनाने वाला सीन है, ये इनका सम्मान होता है, इनको छू रहे हैं इनको ऐतराज है, हाँ ये अच्छे छू लिया ये छू लिया ये देखो कहा बालाजी एक बालाजी कंटिन्यू सेवा ले रहे हैं, रात में 11 बजे 12 बजे इस तरह करते हैं, ऐसे लेते हैं मच्छर सही हाँ। अरे आपने तो बाबा जी जो काम किया है कोई नहीं कर सकता, हम तो देख के अचंभित हो गए,
आपका जो जीवन है आपका, मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, तो ये तो भाई आपसे ही सीखा है। ये देखो देखो ये अब ये मौज कहाँ मिलेगा। ये देखा, ये बालाजी ये गुच्छू ना करो, आपसे ही सीखा है। अच्छा आपकी वो चना खत्म हो गया। खत्म हो गया, खाओ, खत्म हो गया भाई। चना की नहीं भाई, केले के चक्कर में आई। ओ मैं गिंग हनुमत राम जोताए नमा, ओ मैं गिंग हनुमत राम जोताए नमा, ओ मैं गिंग हनुमत राम जोताए नमा। इससे बड़ा कोई हनुमान जी की सिद्धि है नहीं बताओ। पत्थर, इनके पत्थर के रूप को आप लड्डू चढ़ाए और खुद खा लिया। सही। तब आज पल्लू मेहरोत्रा से बात हुई, वही बता रहे थे। हमने कहा भैया आप क्या बताएं, राजा चंदापुर के कैसे समझाओ मैं। अरे साहब ये आदमी ने रायबरी का नाम बाहर जाके किया है। हाँ, भंडारा आप लोग करते हैं, कल्लू को एक दाना नहीं खाना है। हाँ, और खुदे लाखों रुपया फूंक रहा है। सही बात है। उसको मंदिर के आप इसको विदेश मंत्री बना दीजिए। हाँ, हाँ। बिंधा चले चले अयोध्या जाओ, कुंभ में जाओ। उनकी इच्छा है क्या कल्लू की? और क्या, उसको सामान मिले वो कल क्या। अरे रायबरी के जितने धनी मनी हैं ये सब उसको सहयोग कर दें। समझ गए। बल्कि एक साहब ने लंगर के लिए बड़ी अच्छी बात कही है कि बड़ी अच्छी कोई सुझाव दिया है भाई। बेटी ने कहा था कि ये लंगर को राशन में बदल दें, जो आप बता ना, ना 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 हम आप ही से तो बात हुई है शायद। हमसे बोल रहे थे कि राशन दिया जाए। नहीं, एक कंट्रोल की दुकान खोली जाए जो सरकार, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए देती है ना। तो ये गुरुद्वारे की ओर से सिख समाज जब आएगा तो सारे समाज लोग उसमें देंगे सहयोग। सही सही, सब सारा समाज आएगा। वरना भाई इनकी तो बल्ले बल्ले होगी। हाँ, जब इनकी बल्ले बल्ले होगी तो ये हबी हो जाएंगे, भी जान जाओ। हाँ, हाँ, भाई जब पब्लिक इनके पीछे लगेगी। हाँ, तो कोई सरदार खड़ा हो जाएगा, वो जीत जाएगा। जीत जाएगा सब भाई। जो काम करेगा वही कुर्सी पर बैठेगा। अब वो बेवकूफ़ बनाने वाले जमाने चले गए। सरदारों को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। एकदम लड़ते ही नहीं, पता नहीं क्यों। हाँ, हम ये नहीं समझ पा रहे। हाँ, ये ईमानदार होते हैं फिर भी। नहीं, ये ईमानदार, ये काम करना जानते हैं और फिर भी। और छोटे बड़े का भेदभाव नहीं इनके। इनको चाहिए कि पूरे देश में चुनाव लड़े, इनकी कोई खुद की पार्टी बनाए। हाँ, और पूरे देश में चुनाव लड़े। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे भाई जब मुसलमान लड़ रहा है। हाँ, हाँ। मुसलमान हर जगह अपनी पार्टी बना के लड़ रहा है। हाँ, तो पंजाबी क्यों नहीं, जबकि उनको ये अधिकार नहीं होना। पंजाबी और सिंधियों को भी चाहिए कि अपनी अपनी पार्टी बना करके। हाँ, पूरे देश में लड़ो भाई, पूरा देश हम सबका है ना। बिल्कुल आपका है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये देश है ना। बिल्कुल। पंजाबी लोग बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत लंगर चलाते हैं, उनको अपना पार्टी बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उनको दो ही चीज़ की शिक्षा दी गई है। हाँ, सेवा और सुमिरन। और चारों तरफ उनको अपना जब्त काम करवाएं। ये इनके बालाजी कहीं गए हैं, निकल गए, अगल बगल नहीं है। देखो देखो इधर देखो, बड़ी चीज है। उनको दे दीजिए बाबू, वो दे रहे हैं, दे रहे हैं, देख रहे हैं बड़ी देर। ले ले लो, खाओ, गुच्छू गुच्छू न करो भैया, इधर देखो, गुच्छू गुच्छू न करो भैया, गुच्छू गुच्छू न करो भाई, गुच्छू गुच्छू न करो भाई। सारे जितने फॉलोअर देखिए, जितने फॉलोअर्स हमारे होंगे जी जी, सबके इनको स्पर्श करके सभी फॉलोअर्स के लिए अगर हम आशीर्वाद मांगते हैं। हाँ, सही, तो फॉलोअर्स का कितना बड़ा फायदा हुआ। बहुत। अरे डायरेक्ट हनुमान जी के उनके संकट में यानी आशीर्वाद जा रहा है। और क्या, और असली आशीर्वाद यही है। वो आशीर्वाद नहीं है कि हमारे हमको सोना चांदी पैसा लाओ, हम अय्याशी करें और तो हमको दक्षिणा दे रहे हो। सही बात, कहा दे रहे हैं, दे रहे हैं, देव देव खाओ। आपको तो जीवन इसी में लग गया, एक एक महीना आप सब्जी नहीं खाए, बताइए। अरे वो भयंकर भयंकर कांड। अरे आप जब बताइए, आप घर से लेके पैसा गए चीने के लिए। हाँ। और उसको गधे की सेवा में लगा दिया। गधे में लगा चीनी के लिए। हाँ, पैसा ले गए। हाँ, वाइफ से लेकर के। हाँ, और उसको गधे की सेवा में कोई कर। उसी में श्रीमती जी ने गुस्से में कहा कि हमार कमाई खाई है तब तो कुकरे की गूं खाई है। बस इतना कहना था, देव मत। हमने कहा अच्छा देव। अच्छा बाबा जी, आप ये नहीं सोचे कि घर में राशन नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे भाई तनख्वाह मिलती है, काम हो जाएगा आगे पीछे, लेकिन वो तड़प रहा है, उसका इलाज जरूरी है। हर घंटे उसको कीड़े नोच रहे हैं, हर मिनट।
वही बता रहे। अच्छा आप भी कमेंट में लिखिए, आज हर हालत पे जितने लोग हमको सुने हमसे जुड़े हैं सब कोई सोमन माँ के बारे में लिखो। बताओ दिल्ली हरियाणा में बेचारी बहुत से जानवर बढ़ गए उनके यहाँ। अच्छा, अरे बिल्ली कुत्ता और क्या क्या सब। भाई हमारा वाला हाल है, तीन दो घर में, तीन अस्पताल में, तीन अस्पताल, पांच जानवर तो हम झेल रहे हैं। हाँ, और आप मदद कर रहे थे, नहीं तो घास कहाँ से लाते हैं। नहीं वो भी जीत की जरूरत हो, अभी इसका पेट भर गया। वो बैठे हैं आपके उधर बगल में, इनको पहले भगा में हम। हाँ, वो उधर वो भाग के गए। हाँ हाँ, अब देंगे थोड़ा घूम घूम के दे दें जी, थोड़ा दिखा दो बात। तो यही तो बात है, इसके आगे बोलते भी जाओ, जो विचार आगे बोलते भी जाओ जी, बंद की जाए लोग सुनते भी जाए। आज आप एक तरह के समाज सेवी हैं बाबा जी, पशु सेवी हैं ना। 84 साल की उम्र हो गई है आपकी, देखते देखते समय बीत रहा है और आपके टक्कर कभी कोई आया नहीं। देखो उससे वह उनके उनके दुलारी का बेटा जो है वो भाग, देखो अब यह है बाघिन, इसका नाम है बाघिन। हटो बाघिन, हटो हटो। अरे बालाजी तुमको हम दे रहे हैं भाई, ये दो ये दो ये दो ये दो। बालाजी 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 बालाजी, अरे मिल गया मिल गया, इतना सा मिला। अरे तुरंत भाग गए ऊपर, देखो इतना सा पा गए तो उनके जान में जान आ गई। आइए चल जाए बन जाए, वहाँ चना आपका छीटा है। हाँ, वो खाया जा रहा है जी जी। इधर दिखा दो, भूखे हैं ना, वहाँ फेंक दे। हाँ हाँ, दौड़ो दौड़ो, देखो ये नीचे जाएगा, ये देखो ये देखो क्या ऊपर पहुँच गया। अच्छा बंदरों के लिए बढ़िया लक्ष्मण झूला बना है, देखो बहुत बढ़िया झूलते हैं इसमें। हाँ, बड़ा बढ़िया इसमें चलते हैं। हाँ, इनके जब से तार लगा है ना। हाँ, इसमें घूमते रहते हैं, इसीलिए तो इनको कहा गया है ये असंभव कार्य को संभव करते हैं। हाँ, और हर जगह पहुंच जाता है, इसीलिए तो पानी में, पेड़ के ऊपर, मकान में, बिल्डिंग में, ये हर ये चाहे जैसे आपका काम बनाएंगे बनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, यही इनके कहा गया है। भगवान राम ने कितनी बार कहा है, ये बार की आप संकट मोचन है। बताओ भगवान कह रहे हैं कि आप संकट मोचन, संकट मोचन। हम बताओ जमराज आया उसको दो चार गदा जम गया, सिया का राम वाला एकदम एंड है समझो। अच्छा, देखने वाला है, ये खदेजा फाव सीन है महाराज। खदेजा फाव, कोई ना कोई हनुमान जी जुगाड़ बनाएंगे, उनकी वाला सिस्टम बलछा बनेगा, उसमें आपका भी काम चलेगा, हमारा भी काम चलेगा। बस रोटी लाओ, सही, छोटे छोटे टुकड़े बनवाओ, इसे देखो जैसे ये सुपारी के बराबर है ना। सही सही, मोटी मोटी रोटी देखो, इधर दिखाओ सकल, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखा।
करीब आ गया भगा। हाँ देखो देखो कितने छोटे से हैं बुला रहे हैं। हाँ भैया ये जो ऊपर एक समझदारी थोड़ा इधर दिखाओ। अमृत हेलो रोड बनाएंगे पुली बनवाएंगे। हाँ भैया कहाँ से बोला रहे हैं, हम तो सब आवाज़ दिया करते हैं। ले 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 बाबा जी वहाँ पेड़ पर मत चढ़ा करो, हम तुमको दे रहे हैं तो पेड़ पर भागे जा रहे हो। देखो छोटे छोटे होते हैं इनको कहीं ना कहीं से मिल जाता है तो उठा ले 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 खाओ चटके खाओ। आओ वहाँ से आवाज़ मत लगाओ, एक थोड़ा दूर है थोड़ी। हाँ हाँ बोल रहे भैया सब बोला रहे हमसे कि जानते हैं ना कि हमारी आवाज़ पर बाबा हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। जी जी अरे हम उसको भगा रहे हैं, उठा 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 जल्दी। हाँ उसको हमने भगाया। उधर ना डालो आज। नहीं नहीं सही जी बाबू। जितनी मेहनत करो लगे रहो। जी बाबू 101% नहीं जहाँ को हम ताम्रपट पर लिख के दे दें। जी बाबू जी इनके सेवा से अब बड़े बड़े संकटों से बचे रहोगे। जी बाबू हमने अरबपतियों को देखा। जी बाबू पूजा करते हुए देखा। जी जी जिंदगी भर पूजा किया। जी जी लेकिन जो अस्पताल में गए तो डबल रोटी इसे बाहर चले गए मर गए। सही बात इनकी सेवा से ये आशीर्वाद है कि मौत जल्दी नहीं आएगी। घर में बताना कि चाहे महामारी में अब आप कोई आजमाना हो आजमा लो क्योंकि तो आपने काम किया है। आपने काम किया है जो बेकूफ लिखा होगा हम घसीट के थप्पड़ मारेंगे। अरे एक बार लिखा हो दो बार तीन बार ये बार बार कैंसिल हमारी मौत का है हो रही भाई। एक बार कैंसिल हुआ एक बताओ हट्टे कट्टे हमारे अच्छा उधर जाना है क्या जाना है। आओ आओ चलो चलो। हाँ हाँ
ठीक काम हो गया। हाँ, अब आप भी कोशिश करके खुद पहले निकला करो। हाँ हाँ ठीक ठीक। आपको कुछ कहना है इसके आगे? कुछ कहना है तो आप दो चार शब्द बोल दो बाबा जी। कहना क्या, आप बस यही है जो सुन लेंगे, एक आध अपने उद्गार व्यक्त करो। मैं ये कहना चाहूँगा इस समाज से कि अगर आपको कोई सच्चा इंसान और सच्चा ब्राह्मण आपको अगर देखना हो तो हमको नहीं लगता कि बाबा जी से ज़्यादा सच्चा ब्राह्मण आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सच्चाई की बात बताते हैं। ये आपको जो हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म को लोगों ने पाखंड बना के रखा हुआ है, आज हिंदू धर्म को आधा समाज या पूरा समाज समझ नहीं पा रहा है कि हिंदू धर्म पाखंड नहीं है। उस हिंदू धर्म के पीछे हाँ। की जो सेवा है वो सेवा बाबा जी बता रहे हैं। हाँ, आप किसी भी देवी देवता को आप देखिए तो उसका वाहन जो है वो पशुओं को बनाया गया है, है ना बाबा जी? हाँ, हाँ। किसी भी देवी देवता को आप जाकर के देखिए तो उनका वाहन जो है पशु को बनाया गया। हाँ। है। तो पशु को बनाया इसलिए गया है कि आप उस पशु का ख्याल रखें। हाँ, ध्यान रखें। बोलते रहो। और ये प्राचीन भारत में ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। ये देखिए बाबा जी, एक लोग और आ गए हैं अपने बीच, यही है वो त्रिवेदी जी, आइए। इन्हीं की बात हम कर रहे थे। यही है त्रिवेदी जी जो आपको इसके हाथ में देखो चोट है बेचारे, भयंकर चोट है देखो, एकदम एकदम हाथ उसका लुंज हो गया है। ये भी बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, इनको भी बहुत जानकारी है बाबा जी। अब आपका बड़ा ये भी सम्मान करते हैं। जी जी भैया, विकलांग को चूके हाथ से जरूर जाके जाके दिया करो। आप अपनी रोटी दिखाइए एक बार कैमरे पे, देखिए कितनी बड़ी रोटी आप लेके आते हैं। मोटी मोटी। अब देखो भाई, इनको भी देखा ना कि इनको यही पसंद है। जी जी। तो मोटी मोटी और बनाने में समय भी कम लगता है। अच्छा आटा भैया, पिछली बार एक हफ्ता पहले मैंने मंगाया, 1000 लिया सिकरिया के यहाँ, आज 1100 लिया। 1100 हमसे भी लिया था। अच्छा आप वहीं से लेते हैं? 4-5 दिन पहले। हाँ हाँ, बढ़ गया आटा रेट, बढ़ गया, काफी बढ़ गया। अच्छा आपका बढ़िया है ये रोटी भैया। ये भूल तुम भी यार कोशिश करो, कम से कम एक तो तुम्हारी सुनो बहन जी से कह दो ये सेवा करें, बड़े बड़े काम उनके बनेंगे, बड़े बड़े काम बनेंगे। रोटी तो खैर वही बनाती है हमारी बहन ही। हाँ हाँ हाँ, शनिवार और मंगलवार को जो रोटी बनती है हाँ वही बनाती है। आप लाते हैं रोटी? हाँ, मंगल शनि लाते हैं। हाँ, तो वही लाइए मोटी, देखिए ये बना के देखो। हाँ, हाँ। भाई इनको भी मालूम हुआ कम समय में। हाँ, हाँ। कम मेहनत में, इनको यही पसंद है। जी जी। का इधर देखो, इधर देखो, पैसा मांग रहे हैं। लेकिन बिना चना बाबा जी पेट नहीं भर पाएंगे। हाँ? चना बिना जो है पेट हाँ। भरना मुश्किल है, चना जरूरी है। जरूरी तो है क्योंकि संख्या ज्यादा है ना। आधा आज वहाँ हटकटी गैंग में चना बड़ा नुकसान किया, संख्या बल ज्यादा है ना। अरे चना पड़ा रहा यार वहाँ। हाँ? हाँ, लेकिन यहाँ तो खा गए आज, देखिए पूरा एक एक दाना खा गए। हाँ, हाँ। कुछ पला था। तो जब सुबह नहीं आते हैं तो शाम को आते हैं? सुबह आधा घंटा पौन घंटा इंतजार की ना। हाँ, एक जने दो जने आए रहे, वही के बाद फिर हम निकल गए। हाँ हाँ हाँ। अब हमको वहाँ कभी कभी हटकटी की तरह भी हो लिया करें। उधर जाइए तो जो है मिलवे नहीं करते, कौन पता नहीं कहाँ लापता रहा। नहीं मिले हैं, वो शाम को बजा के मिलते हैं, सुबह तो बड़े मुश्किल में मिलते हैं। कोई इस तरह कर नहीं सकता है? ऐसे कोई कर नहीं सकता है।
ये देखो इनके सामने आपके सामने ये देखो ए देव 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 किसी को दौड़ाना मत, ये बहुत मारे और ऊपर से देखो वो बच्चा खेल रहा है। अब यह है कि लोगों का आराम से पेट भर जाता है। बाहर से लोग भेज देते हैं, कई बार कहा अच्छे टाइम भी इसमें लगता है, बस मोटी मोटी बना लो रोटी। देखिए कौन देखो ये फिर आगे देखा पतली है इधर देखा दो यही तो देखने वाला दे दो। अरे भैया मम्मी है गुच्छू गुच्छू न करो भैया, अरे मम्मी को दे रहे हैं भैया गुच्छू गुच्छू न करो भाई, अरे गुच्छू गुच्छू न करो भाई। खत्म खाओ खाओ खाओ। कितने भी फॉलोअर्स हैं हमारे जी जी सबके लिए इनको स्पर्श करके मैं उनको आशीर्वाद भेज रहा हूँ जी भैया। और ये दोनों हाथ से स्पर्श इससे घर्षण करने से आप है ना हाथ में लगता है जैसे कुछ चुनचुनाहट ऐसी आती है। प्रेम है ना असल में, आप आपके मन में प्रेम है तो आपको आपको है जो वो चीज़ अच्छी लगती है, भाव है आपके मन में। ओ मैं कहीं हिम्मत है राम कृष्णाय नमः। अरे आज करोड़ों में फॉलोवर्स हो जाएं तो हमको यही सरकार से जो कहेंगे उसको करना पड़ेगा और क्या, कि अस्पताल अस्पताल जितना रायबली का है। सही बात। इसमें झोले में कुछ नहीं, देखो झोले की तलाशी दी जा रही, कोई जरूरत नहीं, एक फोन से हड़कम मच जाए अस्पताल में कि साहब ये काम होना है, पहले आप लावारिस के लिए करें। देखो रोटी निकाली के दिया छोड़ करके ये देखो देखो ये बीच में काट के सुराख किया देखा, जो चिट्ठी पड़ जाती है नहीं खाते हैं तो ये देखो पहले उसको काटते हैं सब देव खाओ। हाँ मजे हो गया सबको हो गया है ना जी। हाँ भाई वहाँ डाल दिया जो भी यही खाओ डरो मत, उसको फेंक दो सब खाएंगे लोग अंदर पहुँच जाओ जाओ छोटे छोटे अपने कुछ खा लेंगे खाओ। ओ मैं घी हनमत देखो दिखाई पड़ता है जी, थोड़ा अंधेरा हो गया है। अंधेरा हो गया हल्का हल्का। अच्छा आप इधर आ जाओ एक मिनट के लिए आ जाओ आ जाओ जी जल्दी हो गया। कब कहाँ कौन सा हमला हो जाए अब देखो दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, अब चूंकि लाइट आ रही ना आपको बड़ा जानकारी है। आप कैमरा एक्सपर्ट हो गए, आपको कैमरा मैन होना चाहिए था। कोई काम करते करते कोई भी काम लंबे समय तक करें तो आप उसका मास्टर हो जाते मास्टर हो जाते, वही बता रहा हूँ आपको कैमरा मैन बनना चाहिए। भैया समय निकाल के गाड़ी आप सीख लो, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है अगर गाड़ी आपको आ जाए। बाबा जी गाड़ी हम सीख तो लें लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी ना, गाड़ी अभी मान ली सीखे गड़बड़ा जाए गाड़ी को, गाड़ी में कुछ सीखने में डिफेक्ट आ जाए गाड़ी में तो वो भी तो दिक्कत है। नहीं नहीं ये जो ट्रेनिंग देते हैं, अरे बाबा जी ट्रेनिंग वाला सिस्टम के लिए उतना समय भाई नहीं, आखिर कुछ तो हर्जा करने पड़ेगा। बढ़िया लाइसेंस बनवा के दे देंगे वो देते बस धीरे धीरे हम लोग कर दें। सुबह से शाम बाबा बीत जाता है, सुबह से शाम बीत जाता है और समय नहीं मिल पाता अपने लिए। खैर है लेकिन अभी है कि भाई कोशिश कर, सुबह से शाम बीत जाता है आप समय नहीं मिलता है, आप सोच लीजिए कि आराम हम कर लें। सुबह उठे गाय के है जो घर पूरा धुलना पड़ता है आगे जहाँ बांधते हैं। अच्छा, गोबर की खाद खूब इकट्ठा है। हाँ खूब इकट्ठा है। हाँ कोई ले गया आधा लेक लोग ले गए हैं आधा पूरा है जो, अरे अभी बहुत है लाइक तो पुराना वाला ले गए हम, पुराना ही बहुत है अभी, पुराना ही बहुत है। अच्छा हाँ आधा नहीं ले गया, पुराना एक में अगर मिला है तो दिक्कत करेगी। नहीं तो हम पुराना निकलवा देंगे ना, आपको उठवाना है तो पुराना हम निकलवा देंगे ना, आप क्यों परेशान, हम उस हिसाब से करवा देंगे। बहुत बढ़िया एकदम काली खाद हो गई पुरानी। हाँ तो दिवाली के बाद हम उठाएंगे। हाँ तो उठवाइए, गाड़ी आप चलाना जानते तो कहते महाराज गाड़ी ले चलो लेबर हमारा है ही है हम करवा लेंगे। सही है बात आपकी बिल्कुल सही है। नहीं ये बाबा जी इसको बैठी वाले रिक्शे में ये अंधेरा हो रहा है, इसको अब बंद किया जाए। अच्छा ठीक, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।